हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग कपड़े चेंज करके रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग जाएंगे बीच में नहाने के लिए। जस्ट सामने हैं, ये होटल के सामने हैं और ये है भाभी जिनके साथ हम लोग आए हैं। मेरे हस्बैंड के डिपार्ट वाले हैं, उनकी वाइफ हैं, तो ये सबसे बड़ी हैं। तो ये भाभी हैं, ये शंकर होटल है और इसके सामने जो बीच है उसे रशियन बीच बोलते हैं। और मैं तो समुद्र में नहा के काली हो जाती हूँ, पता नहीं कितनी काली होंगी, और बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा और इन्जॉय कीजिएगा पूरी बीच व्लॉग। तो हम लोग होटल से निकल चुके हैं और हम लोग बस बीच पहुंच चुके हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रहा है और धूप का एहसास नहीं हो रहा क्योंकि अभी शाम का टाइम है, लगभग 4:30 बज चुका होगा। तो शाम का टाइम है तो धूप बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रहा है। वाह, समुद्र की लहरों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं अभी शाम का टाइम है तो तेज़ लहरें आ रही है समुद्र से। मैं तो बहुत इन्जॉय करने वाली हूँ, बहुत मस्ती करने वाली हूँ क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है और समुद्र में नहाना बहुत अच्छा लगता है। समुद्र में नहाना बहुत अच्छा लगता है पर थोड़ा डर लगता है मुझे। एक बार मैं डूबते बची हूँ विशाखापट्टनम के समुद्र में, मेरे भैया और भाभी मुझे काले से बचाए थे। मैं सबको बुला रही हूँ कि आ जाओ समुद्र में इन्जॉय करेंगे। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और यह है मेरी फ्रेंड की बेटी, मतलब भाभी जो आई हैं उनकी बेटी है और इनका नाम है परिणीति और ये बहुत प्यारी बच्ची है। और यहाँ पर हो रहा है ऊँट की सवारी, ऊँट पर बैठ कर मज़े ले रहे हैं। मुझे भी बोल रहे थे लेकिन मुझे बहुत डर लगता है गिर जाऊँगी करके, तो मैंने तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। हम सभी यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर क्योंकि शाम का टाइम है तो धूप नहीं है, ऊपर से बहुत अच्छे से बड़ी बड़ी सी लहर आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रहा है। और एक कैमरामैन है जो हम सभी के पीछे पड़ा हुआ है, फ़ोटो खिंचा लो करके। हालाँकि सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास फ़ोटो खींच सकते हैं, अपना अपना वीडियो बना सकते हैं, पर फिर भी हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा देर कर रहा था सभी को, तो हम सबने 5-5, 6-6 कॉपी निकलवाए हैं।
पकड़ 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 पकड़। बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती की, बहुत टाइम बाद बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोग अपने अपने होटल जाएंगे, नहाएंगे, उसके बाद फिर रेडी होकर जाएंगे घूमने। तो मैं मिलूंगी आपसे थोड़ी देर बाद। अभी हम लोग जाएंगे बाहर घूमने, आज हम लोग जाएंगे गोवर्धन मठ। ये फ्रेंड लोग का होटल है और मैं अपने होटल का भी वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद मैं आप सभी को दिखाऊंगी। तो हम लोग आ चुके हैं गोवर्धन मठ और अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। बहुत ही बड़ा मंदिर है। अंदर से बहुत बड़ा मंदिर है और लाइट के कारण चमक रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब से दिख रहा है। पर काफ़ी बड़ा मंदिर है, बहुत प्यारा है। यहाँ पर बना है एंट्रेंस में रंगोली। कभी कभी वीडियो बनाते बनाते मैं पीछे रह जाती हूँ और उन लोग आगे निकल जाते हैं, और ये नया जगह तो मुझे थोड़ा डर लगता है, तो मुझे जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। और ये रात का टाइम है तो और थोड़ा डर लगता है, एकदम सुनसान है यहाँ पर, क्योंकि मेरे जो साथ जो आए थे लोग आगे निकल चुके हैं। बहुत ही बड़ा मंदिर है। यहाँ पर अंदर में है जगन्नाथ भगवान, और सबको मैंने ऐसा ही वीडियो बनाया है। सभी का दरवाज़ा बंद था, तो मुझसे जितना बना मैंने बनाने की कोशिश की है। सभी मंदिर का दरवाज़ा बंद है, शायद पुजारी लोग ही अंदर जाते होंगे, बाकी लोगों को अंदर जाने का परमिशन नहीं होगा।
ये कृष्ण मंदिर है और अंदर आप देखेंगे तो कान्हा जी है, आप देख सकते हैं हमारे गिरधर गोपाल जी अंदर हैं। ऑब्वियसली ये गोवर्धन मठ है तो यहाँ पर कृष्ण भगवान की जितनी भी बहुत सारी लीला है उनके जो बहुत कुछ है यहाँ पर देखने को, बहुत ही प्यारा है। और छोटा सा आप देखेंगे तो गाय है, जो गाय भी बहुत सुंदर लग रहा है देखकर। और यहाँ पर छोटा सा कुआं है, शायद पूजा करने के लिए यहीं से पानी निकालते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो शिवलिंग है। और यहाँ पर है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा मंदिर। और यहाँ पर कुछ लोग बैठकर भजन गा रहे हैं, साथ पंडित होंगे। और बहुत अच्छा लगा तो मैंने वीडियो बनाया इनका, सच में सुनने में बहुत अच्छा लगा। सच में ये मंदिर बहुत सुंदर है और यहाँ पर जो भजन कर रहा तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बैठ के कुछ दिन सुनूँ, पर इतना टाइम नहीं है कि हम लोग यहाँ पर बैठ सके क्योंकि हम लोग बाहर और कहीं जाना है। अभी हम लोग जाएंगे गोल्डन बीच और रात का टाइम है तो इतना टाइम भी नहीं है। रात का टाइम है तो आसपास का जो व्यू बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइटिंग के कारण बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको एक क्यूट सा चीज़ दिखाती हूँ, देखेंगे यहाँ पर एक गाय है और उसका बछड़ा है जो ऐसा लग रहा है देखकर ओरिजिनल है, पर ये ओरिजिनल नहीं है, बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो मंदिर में भगवान का दर्शन तो हमने कर लिया और अभी हम लोग जाएंगे गोल्डन बीच, तो वहाँ अभी पता नहीं देखते हैं क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं ये है गोल्डन बीच और कितना प्यारा लग रहा है देख के, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है हर तरफ देखेंगे तो आप, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। यहाँ का नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत है और अभी हम लोग देखेंगे बीच रात में कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाती हूँ बीच, तो आप भी मेरे साथ चलिए और बीच का नज़ारा देखिए। और आप देख सकते हैं रात के टाइम कैसा लग रहा है बीच, समुद्र की जो लहरें हैं ऊंची ऊंची, कितना प्यारा लग रहा है देखकर। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा हैंडबैग है, बहुत सारे हैंडबैग है जो बहुत प्यारा लग रहा है देखने में, वर्क वाले भी है, बिना वर्क वाले भी है, तो कुछ पर्स भी बहुत अच्छे लगे मुझे, तो एक मैंने भी लिया है और एक मेरी फ्रेंड ने भी लिया है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अभी हम लोग आ गए हैं पास के होटल में, ये गोल्डन ब्रिज के सामने हैं, मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया इसलिए मैंने नहीं दिखाया। और अभी हम लोग डिनर करेंगे उसके बाद हम लोग जाएँगे, तो ये बहुत ही प्यारा है होटल, आपको मैं दिखाती हूँ। इस होटल में आप देखेंगे तो यहाँ पर है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा भगवान जी की तस्वीर, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा देखने में। सच में बहुत सुंदर है ये होटल, सच में बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर हम सभी बैठकर वेट कर रहे हैं अपने नंबर आने का, क्योंकि ये होटल है जो बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि जस्ट गोल्डन ब्रिज के सामने है, इससे बहुत भीड़ है। तो हमारे अलावा और भी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं अपने नंबर आने का, तो पता नहीं कब हमारा नंबर आएगा, नंबर आएगा तब हम सभी डिनर करेंगे, उसके बाद हम सभी अपने अपने होटल जाएंगे और रेस्ट करेंगे क्योंकि सुबह से हम लोग घूम रहे तो थक चुके हैं। तो मैं कल फिर मिलूंगी आप सभी से, तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।